नमस्कार जूनियर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो आज हम लोग अगेन बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आप लोगों को अगर सीयूईटी के स्कोर पे अपना आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, सो उसकी डेट कल तक थी। ठीक है, कल तक तो नहीं, मतलब आज तक थी। आज 5 जनवरी है और आज लास्ट डेट थी, बट आज आईपी यूनिवर्सिटी ने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। इसका यह मतलब है कि अब नई डेट क्या है आप लोगों को वो जानना जरूरी है, और उस नोटिस के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है वो भी जानना जरूरी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो यार, आज आईपी यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिस निकाला है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि वो लोग एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी डेट्स को, जो कि सीयूईटी के बेसिस पे वो लोग एडमिशन ले रहे हैं। बच्चों को उन्होंने बुलाया था कि हाँ ठीक है, आप सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। काफी सारे ऐसे बच्चे थे इस अकेडमिक सेशन के अंदर जिनका एडमिशन रह गया था, चाहे वो जीजीएस आईपीयू के अंदर हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो या फिर उनको किसी और अलग यूनिवर्सिटी में जाना था और वो रह गया बाय एनी चांस या फिर कोई भी तरीके की वजह से उनका एडमिशन रह गया था, और अब वो चाहते हैं कि हाँ हमको आईपी यूनिवर्सिटी चाहिए। मतलब कुछ ही कोर्सेज के लिए खोला गया है, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीजेएमसी और एक दो कोर्स और है, मतलब इन टोटल 7 कोर्सेज के लिए इनको खोला गया था। सो आईपी यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हाँ हम लोग सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। आईपी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर तो रहा है, बट स्कोर्स को एक्सेप्ट करने के अलावा उन्होंने ना काफी सारी लिमिटेशन लगा रखी है, जैसा कि जनरल टेस्ट जरूरी होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि हम लोग बहुत अच्छे से एडमिशन ले रहे हैं, हमने बहुत कम चीजें ली हैं, हम 3 ही चीजें मांग रहे हैं, मतलब बहुत सारे कोर्सेज में वो 3 ही सब्जेक्ट का स्कोर मांग रहे हैं। लेकिन यार, 3 सब्जेक्ट का स्कोर मांगना अच्छी बात नहीं है, वो गलत बात है, क्योंकि सब में इन्होंने जनरल टेस्ट इंग्लिश को डाल दिया है। यार बच्चों ने नहीं दिया इंग्लिश का एग्जाम, नहीं दिया जनरल टेस्ट का एग्जाम, सो वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है। ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, आप आईपी यूनिवर्सिटी के मतलब जो मेन उनका कैंपस है वहां पे जाइए। इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया 7 तारीख तक, मतलब 7 जनवरी तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, इनकी सीट्स नहीं भर रही है तो इस वजह से इनको एक्सटेंड करना पड़ रहा है। सो अगर आपको एडमिशन चाहिए आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप ले सकते हैं एडमिशन एंड मोमेंट पे भी, मतलब अभी 5, 6, 7, अब तो आपके पास लास्ट के 2 दिन बच चुके हैं, 6 और 7, कल और परसों आपका मतलब डे है लास्ट, आप जा सकते हैं और अपना एडमिशन करवा सकते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। करना कुछ भी नहीं, आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो देखनी है, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।